नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। रेबलारी में पॉकेट मार महिलाओं से रहें सावधान। पॉकेट मार महिलाएं घटनाओं को दे रही हैं अंजाम। बलारी में पॉकेट मारने वाले, पर्स चोरी करने वाले महिलाएं व पुरुष की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा मामला बलारी के प्राइमरी स्कूल के बराबर में एक कॉस्मेटिक दुकान का है, जहां पर एक महिला कुछ सामान लेने के लिए दुकान में आती है और उसी के पीछे से जेब कतरी महिला आती है और मौका देखकर उसके पर्स में ब्लेड मारकर पर्स में रखी हुई चांदी की चेन ले जाती है। जब महिला अपने पैसे निकालने के लिए पर्स देखती है, तब उसको पता चलता है कि उसका पर्स बराबर वाली महिला ने, जो कि फरार हो गई है, चोरी के वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस तरह के मामले बलारी में जगह जगह देखने को आए दिन मिलते रहते हैं। बलारी में इस तरह की महिलाओं का गैंग कुछ दिनों से सक्रिय है, जो बुरखे के आड़ में चोरी की वारदातों को अंजाम देती है। ऐसा मामला कुछ दिन पहले भी एक सामने आया था, जिसमें एक महिला मोहल्ला बाजार के बराबर में आम खरीद रही थी, तभी उसका एक पर्स एक महिला ने काट लिया था। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अभी तक इन पॉकेट मारने वाली पर्स चोर महिलाओं का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। इधर आज मुरवाद में लाइन पार स्वर्गीय सर्वेश कुमार कश्यप को दी गई श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। श्री कश्यप राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में काफी सक्रिय भूमिका निभाते थे। श्री कश्यप पिछले दिनों लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। उनके आवास पर आज 13वीं बार रस्म पगड़ी के मौके पर बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक आदि लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर भारतीय किसान संघ के सस्ता अभियान के तहत आरीखेड़ा में सैकड़ों किसान भारतीय संघ से जुड़े। भारतीय किसान संघ द्वारा इस समय सस्ता अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता गाँव गाँव पहुंचकर किसान भाइयों को संगठन में जोड़ रहे हैं। आरीखेड़ा में प्राचीन शिव मंदिर पर भारतीय किसान संघ की एक बैठक हुई, जिसमें भारतीय किसान संघ मुरादाबाद के जिला मंत्री तेजवान सिंह राघव द्वारा कहा कि भारतीय किसान संघों के हित में कार्य करता है। भारतीय किसान संघ का उद्देश्य है कि किसान कर्ज से बाहर आकर एक सम्मानित जीवन व्यतीत। इसके लिए भारतीय किसान संघ किसान भाइयों को तरह तरह के प्रशिक्षण भी दिलाता है, जिससे किसान अपनी फसलों के उत्पाद को बनाकर बाजार में बेचकर लाभ कमाए। भारतीय किसान संघ का उद्देश्य है कोई भी सरकार रहे, लेकिन किसान से संबंधित विभिन्न योजनाएं किसानों तक पहुंचे। किसान संघ का उद्देश्य केवल किसानों की भलाई करना है। जिला मंत्री ने बताया कि भारतीय किसान संघ द्वारा सस्ता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसान भाई मात्र 10 रुपए देकर 3 वर्ष तक भारतीय किसान संघ के सदस्य बन सकते हैं। इस अवसर पर बैठक में आरीखेड़ा के किसानों की समस्याओं को भी सुना। ग्राम आरीखेड़ा में किसानों ने भारतीय किसान संघ की सदस्यता ली। बैठक में तनुज शर्मा, अभय प्रताप सिंह, विजय यादव, दीपांशु शर्मा, कमल प्रजापति, अमन सक्सेना, अंकित यादव, सीताराम, भीमसेन, शीशपाल, गुड्डू, मोनू, शिवम शर्मा, कौशल आदि अनेकों उपस्थित रहे। इधर आज बिलारी के अमरपुर काशी विकासखंड के ग्राम पंचायत अमरपुर काशी में ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह यादव एम रोजगार सेवक द्वारा विगत वर्ष की भांति कार्य योजना बनाकर मनरेगा मजदूरों के द्वारा लगभग एक सप्ताह से रामचंद्रा पेपर मिल एवं विजयपुर गांव के नजदीक आ रही आरएल नदी पर 95 श्रमिकों को लगाकर लगभग एक सप्ताह में 500 मीटर से ज्यादा नदी के तलहटी की खरपतवार की साफ सफाई एवं दोनों तरफ ऊंची मेड़बंदी की गयी। इस मौके पर आज सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा नदी की विशेष साफ सफाई को देखकर रोजगार सेवक एवं मनरेगा मजदूरों का उत्साहवर्धन किया गया। बलारी में हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के राशन सामग्री पहुंचाने पर वृद्धाश्रम के संस्थापक एवं अध्यक्ष रोहन देव सामाजिक ने युवा टीम का जताया आभार। आज हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन रुस्तम नगर सैंसपुर के संस्थापक एवं अध्यक्ष मुशफिक रजा अपनी टीम के साथ वृद्धाश्रम ग्वारखेड़ा पहुंचे। आश्रम के लिए महीने भर की राशन सामग्री भेंट की। फाउंडेशन में सभी नौजवान मानवता के लिए, समाज में कुछ नया करने का उत्साह और मानवता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रयासरत हैं। पर्यावरण हो या फिर स्वास्थ्य या फिर गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करना इस फाउंडेशन का काम है। बहुत ही जोश के साथ में युवा टीम काम कर रही है। मुशफिक रजा, वाजिद हुसैन, डॉक्टर अबरार नाजिम, मोहम्मद आरिफ एम सचिन आदि ने कहा कि समाज में हर संभव हमारा फाउंडेशन लोगों के लिए मददगार बनेगा और समाज सेवा का भाव से काम करेगा। हमारे फाउंडेशन का संकल्प है कि एक कदम मानवता की ओर। कहा कि बद्र आश्रम ग्वारखेड़ा का को जब भी हमारे फाउंडेशन के सहयोग की जरूरत होगी, हमारा फाउंडेशन हर संभव मदद के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद। मैं तो पूरी टीम को नमन करता हूं कि जिस तरीके से युवा जो मैं देख रहा हूं कि काफी कुछ समाज में बदलाव लाने का एक जो आज जो आपके संस्थान में प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है और मैं मानता हूँ ये प्रयास समाज में कुछ अच्छा ही फैलाने का काम करेगा। और मैं अपने वृद्धाश्रम की तरफ से आपका पूरी टीम को नमन करता हूं और आप की सोच को नमन करता हूं। हमारे नाजिम भाई हैं और हमारे
उसमें भाई हैं और बाकी पूरी यूवी टीम को नमन करता हूं, आपकी सोच को नमन। इधर मुरादाबाद में बरसात के बाद ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क टूटे होने के कारण हुआ जलभराव, लोगों को हुई परेशानी। बताते चलें कि मुरादाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क काफ़ी दिनों से बदहाल है, लेकिन बरसात के बाद करीब 1 से 1.5 फीट पानी भरा होने के कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की कि जल्द ही सड़क सही कराई जाए, अन्यथा लोग आंदोलन को होंगे मजबूर। इधर मुरादाबाद की सामाजिक संस्था रूलर वुड्स सोसाइटी बालिका सुरक्षा और सहायता के लिए काम कर रही है। काम शहर के गुलाबबाड़ी दुर्गेश नगर में निशुल्क सिलाई कढ़ाई केंद्र का समाज सेविका एवं नगर विधायक की धर्मपत्नी अल्पना रितेश गुप्ता द्वारा किया गया शुभारंभ। संस्था ने कहा बालिकाओं के लिए कर रहे हैं काम। इधर मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में रोडवेज बस ने मारी टक्कर, हादसे में बस में सवार 17 यात्री हुए घायल। दिल्ली से सीतापुर जा रही थी रोडवेज की बस, हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। कोतवाली कटघर इलाके के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर रामगंगा पुल के पास की है घटना। इधर पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान पहुंचे मुरादाबाद, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीस पार्टी मुरादाबाद की सभी पार्टियों पर लड़ेगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पीस पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। इधर मुरादाबाद में सगे भाइयों ने उतारा था नशेड़े भाई को मौत के घाट। नशे के आदि हो चुके भाई ने ले रखा था काफी कर्जा, परिवार को उठानी पड़ रही थी सरबंदगी। नशे में आए दिन करता था घर में कलेश, हत्या कर बहनोई के साथ मिलकर सबको फेंक दिया था रेलवे लाइन किनारे। 21 जुलाई को कटघर थाना क्षेत्र के भदौड़ा में रेलवे लाइन किनारे पड़ा मिला था शव। कटघर थाना पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार, हत्याकांड से उठाया पर्दा। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का किया खुलासा। 21 जुलाई को थाना कटघर में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात शव मिला था, जिसमें थाना कटघर एवं एसओजी की सहयोग टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, मनोज, प्रियमपाल और राजेंद्र, जो तीनों ही थाना मजोला के रहने वाले हैं। इसमें जो मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र के रूप में हुई है, इसमें मनोज और प्रियमपाल धर्मेंद्र के भाई थे। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि धर्मेंद्र बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, शराब पीता था और अपने घर में इनके साथ, उनके माता पिता के साथ अपनी बीवी से मारपीट और इस प्रकार का कार्य करता था, जिससे ये काफ़ी परेशान थे। साथ ही इसने कई लोगों से कर्जा ले रखा था, कर्जे वाले तकादा करने आते थे, इससे भी ये लोग बहुत परेशान थे। जिस दिन इसकी हत्या हुई उस दिन भी ये शराब पीकर आया हुआ था और इसने बहुत हंगामा किया था। इसी के चलते इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी हत्या करी। जो राजेंद्र है वो इनका वीजा लगता है, फोन करके इसने इन राजेंद्र को बुलाया और इसकी बाइक का प्रयोग करते हुए जहां पे इसकी डेड बॉडी मिली है वहां पे ले जाके। इधर मुरादाबाद के थाना मुजला के रहने वाले सोमपाल ने अपने मोहल्ले में रहने वाले 6 लोगों पर उनकी 20 साल की बेटी का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करने का लगाया आरोप। मुरादाबाद की पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा किया दर्ज, कार्रवाई का दिया आश्वासन। इधर मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद पीपल का पेड़ गिरा, टूटी दीवार, सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद के थाना नागफनी बगुला गांव पुलिस चौकी में खड़ा पेड़ बारिश के बाद गिरा, आसपास के मकानों को हुआ नुकसान। स्थानीय निवासियों ने कहा वर्षा के बाद पेड़ गिरा, सब्जी विक्रेता को आई गंभीर चोटें।